Now I am discuss about what is ecosystem diversity. It is related to the different type of ecosystem or habitats present in world. For example, terrestrial and aquatic. Terrestrial ecosystem is a land-based community of organisms and interactions of biotic and abiotic component in a given area. Example, forest, grasslands, deserts, and etc. Terrestrial ecosystem वो होते हैं जहाँ पे organism जमीन के साथ जुड़े होते हैं. वो धरती पर जीवित और अजीवित वस्तुओं से इंटरेक्शन करके लाइफ स्पेंड करते हैं. अब हम बात करते हैं aquatic ecosystem की. Aquatic ecosystem is a based on the water-based ecosystem. Aquatic ecosystem उन ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट करता है जो अपनी लाइफ को पानी में स्पेंड करते हैं. जो aquatic ecosystem के करैक्टर्स होते हैं उनमें आते हैं प्लैंकटॉन्स, फाइकोप्लैंकटॉन्स एंड यूप्लैंकटॉन्स. प्लैंकटॉन्स होते हैं वो ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो स्विम नहीं कर पाते और बस ड्रिफ्ट करते हैं. ड्रिफ्ट मीनिंग इधर से उधर जाना. वो खुद नहीं जाते बट एक्सटर्नल दबाव के अकॉर्डिंग वो इधर के उधर होते हैं. और जो फाइटोप्लैंकटॉन है उनका रिलेशंस है प्लांट के साथ. जू प्लैंकटॉन्स उसका रिलेशंस है एनिमल के साथ. ये चीज़ें आगे से आगे डिवाइड होती हैं. इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बन सकती है. जैसे नेक्टॉन हो गया, पैंथोस हो गए. और जो नेक्टॉन होते हैं वो फ्रीली स्विम करते हैं जैसे फिश, व्हेल्स. एक्वेटिक इकोसिस्टम मेनली टू टाइप का होता है, मरीन इकोसिस्टम एंड फ्रेश वाटर इकोसिस्टम. जो मरीन है उसका मीनिंग है जिस वाटर में साल्ट होता है. इसके एग्जांपल्स आते हैं कोरल रीफ, ओशन, कोस्टल मार्शेस. और जो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है उसमें आता है लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स, स्ट्रीम्स. जो फ्रेश वाटर लेक्स होती हैं उनको न्यूट्रिएंट के लेवल के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया जाता है जैसे ओलिगोट्रॉपिक्स, यूट्रॉपिक्स एंड मेसोट्रॉपिक्स. ओलिगोट्रॉपिक्स में न्यूट्रिशन का लेवल्स बहुत कम होता है. यूट्रॉपिक में न्यूट्रिशन का लेवल हाई होता है और कम्प्लेक्स फीडिंग रिलेशनशिप होती है. मेसोट्रॉपिक में क्या होता है कि फॉल बिटवीन द टू एक्सट्रीम्स. इसी अकॉर्डिंग सभी एक्वेटिक इकोसिस्टम को या फिर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को क्लासिफाई किया जाता है. और उनको क्लासिफाई करने के पैमाने और उनकी टर्में डिफरेंट डिफरेंट होती हैं. इकोसिस्टम डाइवर्सिटी इज वेरी हाई इन इंडिया बिकॉज अवर कंट्री हैज़ लार्ज नंबर ऑफ इकोसिस्टम्स लाइक डेजर्ट्स, रेन फॉरेस्ट, फॉरेस्ट, वेटलैंड्स एक्सेट्रा. अब हम लास्ट में देखते हैं हमने इकोसिस्टम डाइवर्सिटी में क्या क्या जाना. इकोसिस्टम डाइवर्सिटी इज अ डाइवर्सिटी बिटवीन द इकोसिस्टम. मेनली इसमें दो टाइप हैं, एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल. जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है वो वाटर बॉडी को रिप्रेजेंट करता है और जो टेरेस्ट्रियल है वो लैंड को रिप्रेजेंट करता है. इन इकोसिस्टम की आगे डिवीजन होती है जैसे डेजर्ट्स, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड. और एक्वेटिक में फ्रेश वाटर, मरीन्स एसेट्रा. इसी के साथ ही हमारी आज की वीडियो फिनिश होती है. और स्टडी के रिलेटेड सभी वीडियोस, सभी कंसेप्ट हम अपने चैनल पे डिस्कस करेंगे. और हमारी नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग. टेक केयर. बाय बाय. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.